सुविश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि नागपुर का हबीबनगर यानी टेका में जो आता है, ये हबीबनगर के लोग काफी परेशान हैं, हताहत हो चुके हैं, क्योंकि वहां कुछ दिन पहले एक महिला जो है कोरोना पॉजिटिव निकली थी, ऐसे बताया जा रहा था। उसको टेस्टिंग के लिए लेके गए, टेस्टिंग में पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट हुआ, कोरोना पॉजिटिव निकला, ऐसा जानकारी मिली थी हमें विश्वसनीय सूत्रों से। लेकिन पता ये चला है कि उसके बाद वहां पर पूरा एरिया सील कर दिया गया। उस एरिया को सील करने के बाद वहां से कुछ और लोगों को ले जाया गया, 6 लोग उसके बाद और ले जाया गया। तो खबर ये आ रही है कि वो जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी महिला, वो घर आ चुकी है, वो पॉजिटिव नहीं मिली, निगेटिव मिली, सुधर गई, यानी उनको पॉजिटिव था ही नहीं, ऐसा बताया जाता कि पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव थी नहीं, वो घर आ चुकी है। लेकिन 6 लोग उनके बाद जो गए हैं क्वारंटाइन के लिए, वो अब तक घर वापस नहीं आए। कितने दिन उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उनके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मनपा आयुक्त से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। क्योंकि हबीबनगर में जिस तरह से सील किया गया एरिया, वहां खाने पीने की, जाने आने की बहुत परेशानी हो रही है। किसी से भी अगर जवाब तलब करते हैं तो बस ये कहता है कि हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला। प्रशासन भी मजबूर है ऑर्डर के लिए, और लोग बहुत हताहत हो गए हैं कि हबीबनगर में ऐसा क्या हो गया है कि अभी तक ये सील किया गया एरिया खुला नहीं। हालांकि उसी के करीब में संगम नगर से जो पेशेंट मिले थे, कम से कम 140 लोगों को यहां से क्वारंटाइन के लिए लेके गया था, जिसमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला था, नेगेटिव था, उसके बाद वो एरिया खुल गया था। लेकिन हबीबनगर, मोमिनपुरा, सतरंजीपुरा के लोग बड़े ही परेशान हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि लोगों के अंदर एक वहम सा पैदा हो गया है कि यहां एक समुदाय को विशेष करके टारगेट बनाया जा रहा है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दूं कि आप लोग देख रहे हैं नागपुर न्यूज टीवी। जी हां, ताजा तरीन खबरें आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आते हैं। आप हमें जो है फेसबुक पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पे, हाँ ट्विटर हैंडल है हमारा, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे आपका अपना नागपुर न्यूज टीवी। महाराष्ट्र में 30 जून तक लॉकडाउन 5 शुरू रहेगा। जी हाँ, जिसके तहत हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या शुरू रहेगा, क्या बंद रहेगा, कहाँ शुरू रहेगा और कहाँ बंद रहेगा। जैसे बताया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये लागू रहेगा। साथ ही साथ इसके दरमियान जो लोग भी अगर गलत खबरें फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उन पर कार्रवाई होगी, वो भी सख्त होगी। सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई खाकर गुटखा, तंबाकू या सिगरेट पीता है, थूक देता है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक चालू रहेगी, लेकिन अगर वहां भीड़ दिखती है, उस एरिया में भीड़ दिखती है, तो उसे बंद करवाया भी जा सकता है। और कंटेनमेंट जोन पूरी तरह बंद रहेगा। शादियों में सिर्फ 50 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत मिली है, और अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 20 लोगों को इकट्ठा होने की ये इजाजत दी गई है। लॉकडाउन 5, वैसे तो अनलॉक 5 कहा जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन 5 महाराष्ट्र में बढ़ती हुई कोरोना की जनसंख्या यानी कि संक्रमित को देखते हुए, क्योंकि कोरोना बहुत ही तेजी से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, वही नागपुर में भी रोज के 1 या 2 केस मिल रहे हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी तक की ताजा खबरें आप लोगों ने देखे आपके अपने न्यूज चैनल पर। जी हां, नागपुर न्यूज टीवी मेरे साथ है। आप लोग जनता की आवाज यानी आवाम की आवाज को लेकर मैं आप सभी के बीच खबरें लेकर हूं। आपको बता दूं कि हमारा वेबसाइट बन चुका है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.nagpurnews.com। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है, आप लाइक करें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। और भी ताजा बुलेटिन को लेकर मैं आप सभी के बीच आता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लॉकडाउन 5 में कुछ सहूलत दी गई है, जैसे बहुत से सहूलत जो है प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, जो कि अकेले अकेले अपने काम पे जा सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी का कार
ये लेकर आप रुके हुए हैं, तो उनके कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपने किसी के यहाँ का काम लिया हुआ है तो उनके काम को आप अकेले जाकर पूरा कर सकते हैं। या प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए और भी जितने भी लोग जो ऐसे काम करते हैं उन लोगों के लिए ये छूट दी गई है। और सरकारी ऑफिसर में 15% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। 5 जून से सभी बाजार और दुकान P1 P2 नियम के अनुसार खुल सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी लॉकडाउन 5 को लेकर महाराष्ट्र की खबरें, नागपुर की खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे नागपुर न्यूज टीवी। मुंबई में तूफान का खतरा टलने के संकेत, देर रात तक बारिश की संभावना, हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, निसर्ग ये जो तूफान आया है, मुंबई के तटीय किनारे जितने भी ग्राम है, गांव है, उनको पहले ही आगाह कर दिया गया था, खाली कर दिया गया था और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। और जब ये तूफान आया तो काफी हताहत हुई, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि तूफान जो है अभी रफ्तार कम होते आ रही है। 3 घंटे का समय तो वैसे भी बताया गया था, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिसके चलते हवाई यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन फिर से खतरे का अंदेशा न होने पर इसे शुरू करवाया जा सकता है। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे आपका अपना न्यूज चैनल नागपुर न्यूज टीवी। एजाजुद्दीन आपके साथ है, ऐसी ही खबरों को लेकर आएगा आवाम की आवाज यानी नागपुर न्यूज टीवी।